गाइज, अगर आपके पास विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के स्टार्टअप में स्पॉटिफाई एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टॉप स्पॉटिफाई फ्रॉम ओपनिंग एट स्टार्टअप एंड विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10। सो अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं स्पॉटिफाई एप्लीकेशन को स्टार्टअप से, तो इसके लिए आपने सिंपली स्पॉटिफाई एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपने जाना है अकाउंट पे। अकाउंट पे जाने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स के अंदर गाइज आपने थोड़ा सा इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप एंड विंडोज़ बिहेवियर, ठीक है। ओपन स्पॉटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर यू लॉग इन टू द कंप्यूटर, ठीक है। सो यहाँ पर ये येस है, आपके पास भी यहाँ पर ये ऑप्शन येस होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपने इसको नो कर लेना है, ठीक है। नो कर लेने के बाद गाइज जो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन है वो विंडोज़ के स्टार्टअप में ओपन नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप स्पॉटिफाई फ्रॉम ओपनिंग एट स्टार्टअप एंड विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।